अभी इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर पे, जहां पर अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव दोनों के साथ मुलाकात की और उन्होंने बाहर आकर प्रेस से बात करते हुए बताया कि जो 2024 की जो प्रक्रिया है ऑपोजिशन को एक साथ लाने की, उसकी शुरुआत की जा चुकी है। इवन नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि जो अभी बातचीत शुरू की गई है ऑपोजिशन को साथ लाने की और आने वाले दिन में इस पर और गहन चर्चा की जाएगी। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और ललन सिंह जी भी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें इस साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद थे और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। तो अब देखना यह अहम होगा कि किस तरह से 2024 को लेकर विपक्ष पार्टियां एक साथ आती हैं। खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। हम लोग अपना कोशिश करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है। हम लोगों की बात भी हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठे आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। ये प्रयास वो कई बार पहले कर चुके हैं। देखिए, इस बात को स्पष्ट मैं पहले भी कर चुका हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, विपक्ष एकजुट हो जाए यह असंभव है। वैसे भी विपक्षी एकता अपने में एक बहुत बड़ा भ्रम है भाई। आज की तारीख में किसी विषय पर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए यह हुआ नहीं है। 2014 में भी इन लोगों ने करने का प्रयास किया, 19 में भी करने का प्रयास किया, पुनः ये 24 में भी करने का ये प्रयास कर रहे हैं, ये होगा नहीं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से तो ये असंभव है भैया। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Kuu.